Okay. So students, here we are going to start our new chapter, that is a day with Nandu. एक दिन जो हमारा नंदू के साथ बीता है वो कैसा है, और आप जानते हो कि नंदू एक बेबी एलिफेंट है, एक हाथी का छोटा सा बच्चा है। अब ये चैप्टर शुरू होता है बेटा वहां से, जब नंदू जगता है सो करके। When Nandu wakes up, wakes up मतलब wakes up means जगना। जब हम नींद से जगते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूजन में होते हैं, भ्रम में होते हैं, कई बार पता चीजें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि क्या होगा, सिचुएशन कैसी है, कैसी परिस्थिति है ना। कभी हम सुबह उठ शाम को सो के दिन में सो जाते हैं और रात शाम को उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी सुबह का टाइम है। कई बार बच्चे उठ के बस लेके चले जाते हैं बस करने के लिए, ऐसा होता है, कभी हुआ है आप लोगों के साथ? रेज योर हैंड जिनके साथ हुआ है। अंशिका सिंह, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, विवेक यादव, चलिए। तो जब नंदू सोकर उठा तो उसके साथ क्या हुआ ये देखते हैं हम। नंदू वोक अप एंड ओपेंड हिज आईज। नंदू वोक अप, नंदू जगा और उसने क्या किया, ओपेंड हिज आईज। जगने के बाद सबसे पहले नंदू ने अपनी आंखें खोल दी, ठीक है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। अब सिचुएशन यहां ऐसी है बेटा कि नंदू भी कंफ्यूजन में है, सो के उठने के बाद उसको पता नहीं चला कि वो है कहां। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर, कुछ सेकेंड तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि वो है कहां। वेयर ही वॉज, वो कहां था। इट सीम्ड टू हिम उसको ऐसा लगा, ऐसा मालूम पड़ा, दैट ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ ग्रे ट्री ट्रंक। और उसको ऐसा मालूम पड़ा नंदू को जैसे वो एक जंगल में घिरा हुआ है। That he is surrounded in a forest. और कैसा forest? केवल बड़े बड़े पेड़ों के तनों का, लाल ट्री ट्रंक। कैन यू सी हेयर? I'm going to show you a picture. Now let me find it first. Yes. See this picture. Only this part. What is it? ये क्या है? ये हाथी के पैरों के निशान है ना। ये हाथी आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ये क्या दिखाई देता है, सिर्फ हाथी के लेग्स दिखाई दे गए है ना, और उसके ट्रंक्स दिखाई दे गए, उसकी सूंड दिखाई दे गई है। अब नंदू को जब उठा सो करके तो उसको केवल यही चीजें दिखाई दी, हाथी के पैर दिखाई दिए और उसके सूंड दिखाई दिए, उसके ट्रंक दिखाई दिए। तो उसे क्या लगा, ये हाथियों के पैर नहीं है, हाथियों के ट्रंक नहीं है, बल्कि ये पेड़ों के बड़े बड़े तने हैं, ब्राउन कलर के, है ना। ओके, सो दिस वॉज द कंफ्यूजन। सो बाय ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक। नाउ इन कंफ्यूजन ही ब्लिंक्ड हिज आईज, इसी भ्रम में उन्होंने अपनी पलकों को बार बार झपकाया, आंखों को मला, ही ब्लिंक्ड हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड, और फिर चारों तरफ ठीक से अपने चारों तरफ देखा। ओहो, देयर वाज अम्मा। और तब उनको रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि अरे नहीं, ये पेड़ों के तने नहीं है, वो तो अम्मा है। क्यों? क्योंकि वो अम्मा के ही पैर थे, है ना, और उनके साथ और भी उनके ग्रुप के बहुत सारे दूसरे एलिफेंट्स थे। The grey forest that he had imagined, वो grey forest जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, the grey forest that he had imagined he was in, जिसके अंदर वो था, was actually the legs and the trunks of his family members, वो उन्हीं के family members के पैर थे, leg थे, और उनके trunk यानी सूंड थे। okay, तो वो जंगल जिसकी कल्पना की थी नंदू ने, वो जंगल एक्चुअल में क्या था, वो जंगल नहीं था, वो क्या था, हाथियों के पैर थे और उनके सूंड थे। इट वॉज एक्चुअली द ट्रंक एंड द लेग्स ऑफ द एलिफेंट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ नंदू, है ना। नाउ
See in next paragraph, the sun was overhead. अब सूरज जो है हमारे सर पर आ चुका था. Sun was overhead. सूरज अब सर पर आ चुका था. And it was getting hot. और जब सूरज सर पे आ जाए तो क्या होता है, गर्मियों का मौसम हो तो गर्मी और बढ़ जाती है ना. It was getting hot. दिन बहुत गर्म हो गया था. नानी माँ ट्रम्पटेड. अब हाथियों को तो आप जानते हो बेटा गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो हाँ नानी माँ जो थी उन्होंने ट्रम्प किया यानी चिघाग लगाई. ट्रम्पटेड मीन्स चिघाग लगाई है ना. हाथियों का जो साउंड होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रम्पेट. मेड अ लाउड साउंड और उससे एक जोरदार आवाज हुई. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. और आपको जानना चाहिए कि उस ग्रुप में जो ओल्डेस्ट एलिफेंट थी, सबसे जो बूढ़ी एलिफेंट थी, वो कौन थी, नंदू की नानी माँ. कौन थी, नंदू की नानी माँ. नानी माँ कौन होती है, यस मदर ऑफ योर मदर. आपकी जो मदर की जो मदर होती है वो आपकी नानी माँ होती है. तो नंदू की मदर सबसे ओल्ड एलिफेंट थी उस हर्ड की, उस समूह की. हर्ड मीन्स झुंड, समूह. एलिफेंट का हर्ड होता है ना. ओके, तो नंदू जिस हर्ड में रहता था, जिस एलिफेंट के हर्ड में रहता था, उसमें सबसे ओल्ड एनिमल कौन था, नंदू की नानी माँ. सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द जंगल. अब उन्होंने एक संकेत दिया, एक बार चिहाग लगाई जो से लाउड साउंड किया और फिर मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड द जंगल. कहां की तरफ, जंगल की तरफ. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. अब जो दूसरे फीमेल एलिफेंट थे, अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर. यहां हर कौन है, नंदू की नानी माँ. नंदू की नानी माँ को दूसरे फीमेल एलिफेंट्स ने देखा और उनके पीछे चलना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम. अब नंदू भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा. नंदू भी चल पड़ा. जहां पूरा समूह जा रहा था वहां नंदू भी चला गया है ना. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज. कैन यू सी द पिक्चर ऑफ नंदू. हियर इज ही. ये है नंदू है ना. हाँ देख सकते हो आप. तो ये भी अपने समूह में पीछे पीछे चल पड़ा. अब देखिए क्या होता है. When they reached the jungle, अब जब उनका ये समूह जंगल में पहुंचा, जब एलिफेंट्स का ये हॉर्ड हाथियों का समूह कहाँ पहुंच गया, जंगल में. पहले तो ये जंगल से बाहर था, वहां कोई पेड़ नहीं था. और उठने के बाद नंदू को लगा कि जंगल में है हाथियों के पैरों को देखकर. लेकिन जब वो वास्तव में जंगल में पहुंच गए, when they reached in the jungle in afternoon when sun was overhead, तब क्या हुआ, the members of the herd started spreading out. जो उस समूह के सदस्य थे उन्होंने चारों तरफ फैलना शुरू कर दिया. जंगल में इधर उधर स्प्रेड हो गए, फैल गए, बिखर गए. क्यों, बिकॉज ईच मेंबर वॉज हंग्री. सभी लोग बहुत भूखे थे. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्वीग्स. हर मेंबर चला गया जंगलों में उनकी मनपसंद पत्तियों को और टहनियों को खाने के लिए. लीव्स मतलब पत्तियां और ट्विग्स मतलब टहनियां. ट्विग्स मतलब टहनियां. तो एलिफेंट कहां चले गए, अपने मनपसंद अपनी फेवरेट लीव्स और ट्विग्स को खाने के लिए. सो एलिफेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द हर्ड स्प्रेड. व्हाई, टू ईट द लीव्स एंड ट्विग्स विच दे लाइक्ड मोस्ट. जो उनको बहुत ज्यादा पसंद थी है ना. After they had eaten, और जब उन्होंने भर पेट खा लिया, जब भर पेट खा लिया किसको, पत्तियों को और टहनियों को, तब क्या हुआ, the herd moved towards the river. वो जो समूह था वो move कर गया, चला गया नदी की तरफ. कहाँ चला गया, नदी की तरफ. The baby elephants enjoyed playing in the water. और वहां जाकर जो जितने भी बेबी एलिफेंट थे उस ग्रुप में, उन्होंने क्या किया, वाटर में जाकर एंजॉय करना शुरू कर दिया, नदी में. ये देख लो बेबी एलिफेंट्स है,
कितने सारे दिखाई देगा ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नंबर ऑफ अदर्स वर देयर हु आर नॉट विजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पिक्चर में, और सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं अपनी सूंड में भरकर, अपने ट्रंप से पानी उछाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दे आर प्लेइंग इन द वाटर। आप भी खेलते हो पानी में, हाँ, पानी उछाल कर, तो दे आर एंजॉइंग इन द रिवर। ओके, तो द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जितने भी बेबी एलिफेंट थे उन्होंने पानी में खूब खेलकर आनंद लिया। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो मदर एलिफेंट्स थी वो नदियों में जाकर वाटर्स में पानी में लेट गई, या फिर वहां नदी के किनारे जो मड था, जो गीली मिट्टी थी जिसको हम कीचड़ कहते हैं, वहां पे लेट गई। आप जानते हो हाथियों को गर्मी बहुत लगती है, तो अपने आप को कूल रखने के लिए वो क्या करती है, पानी में नहाना बहुत पसंद करती है ना। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द हॉर्ड ऑफ एलिफेंट हियर, ये देखिए ये एलिफेंट का हॉर्ड है ना, पानी में अभी जा गए ये लोग, दे आर लाइक गोइंग इन साइड, सम आर वेटिंग आउट ऑफ द रिवर एट द बैंक टू गो इन, है ना। ओके, नाउ डू यू नो स्टूडेंट्स दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ द लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। आप जानते हो एक दिन में जो हाथी है, एडल्ट हाथी, एक जो बड़ा हाथी होता है, वो 100 kilograms 100 kilo पत्तियां और टहनियां ट्विग्स खा जाता है। आप कितना खाते हो, कितने किलोग्राम, कैन यू ईट अ किलोग्राम ऑफ योर फूड, 1 kilo खा सकते हो आप एक दिन में, वेरी डिफिकल्ट, शायद नहीं खा पाओ, है ना। ओके, लेकिन एलिफेंट कितना खा जाता है, एक एडल्ट एलिफेंट 100 kilograms, यस, बिकॉज इट इज अ ह्यूज एनिमल, बहुत बड़ा जानवर है ना, सो इट्स डाइट इज ऑल्सो हैवियर, है ना। सो एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और इतना ज्यादा खाते हैं लेकिन ये सोते बहुत कम है। आप दिन में कितना घंटा सोते हो, 6 to 7 hours, 6 hours, 5 hours, है ना, 5 to 7 hours, we sleep between 5 to 7 hours in a day, but elephants do not rest like us, elephants हमारे जितना आराम नहीं करते हैं। ये कितना सोते हैं, they sleep for only 2 to 4 hours, 2 to 4 hours सोते हैं केवल दिन में, है ना, केवल दिन में 2 to 4 hours सोते हैं। एक बार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, ग्राफ बना करके देखा था कौन से एनिमल्स कितना सोता है ना, सबसे कम सोने वाले जानवर का नाम हम देखा था जिराफ, कितना सोता था, केवल 2 hours इन अ डे, है ना। ओके, नाउ एलिफेंट्स आल्सो स्लीप नियर अबाउट 2 to 4 hours इन अ डे। ओके, नाउ एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, और इनको पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। एलिफेंट्स को क्या पसंद है, दे लव टू प्ले इन मड एंड वाटर, मड मीन्स कीचड़, है ना, जो गीली मिट्टी होती है, और जो पानी होता है इसमें खेलना एलिफेंट्स को बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, और आप जानते हो हाथियों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, इसीलिए वो पानी में रहना पसंद करते हैं, और कीचड़ जो होता है उनकी बॉडी को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है ना। Their big ears also work like fans. और हाथियों के अपने कान तो देखे ही हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, कैसे, पंखे की तरह, और ये जो बड़े बड़े कान होते हैं, इन कानों से अपने लिए वो पंखा भी कर लेते हैं, हवा कर लेते हैं, है ना, हिला लेते हैं, और ये उनकी बॉडी को भी कूल करता है, ओके, ठंडा रखता है। The elephants flap these to keep themselves cool. और जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में अपनी दादी को, मम्मी को हाथ से पंखा हिलाते हुए देखा है, फ्लैप करते हुए देखा है, उसी तरह एलिफेंट्स भी अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं, क्यों, अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव सम क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 22, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है पेज नंबर 22 पर, देखिए आई एम गोइंग टू राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर बोर्ड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर
22, page 22 of your textbook. Question number 1. Nandu is only 3 months old. 3 months old. नंदू की एज कितनी है? केवल 3 मंथ का है वो, 3 साल का नहीं है, 3 मंथ का, 3 मंथ का. नंदू इज ओनली 3 मंथ ओल्ड. But he weighs 200 kilograms. But he weighs 200 kilograms, kg, है ना? Now, students, what is your weight? अब नंदू जो एक बेबी एलिफेंट है और जिसकी एज है केवल 3 मंथ, जिसकी एज कितनी है? ओनली 3 मंथ. ओके, एंड हिज वेट इज 200 किलोग्राम. हियर क्वेश्चन इज व्हाट इज योर वेट, आपका वेट कितना है? सो यू हैव टू राइट योर वेट. वे योर सेल्फ एट योर होम इफ यू हैव अ वेइंग मशीन, और ट्राई टू फाइंड आउट समवेयर एल्स. ओके, इट विल बी योर होमवर्क. सो एंड यू विल राइट योर आंसर लाइक दिस आंसर. My weight, WEIGHT, my weight is, और आपका जो भी वेट होगा यहां लिखोगे किलोग्राम्स, है ना? KILOGRAMS, my weight is इतना किलोग्राम्स, है ना? So you have to fill in the blanks. Write your weight in your copy. What is your weight? Okay. Your next question is, can you find out? Question number two. Can you, find, find out? क्या आप पता लगा सकते हो? Can you find out the weight of, क्या पता लगाना है आपको? The weight. WEIGHT, weight of HOW, how many children, CHILDREN, children. Can you find out the weight of how many children like you? Will add up to Nandu's weight, to NANDU's, Nandu's weight, WEIGHT. Okay, so read the question once again with me. Question को एक बार फिर से आप पढ़िए मुझे मेरे साथ. Can you find out the weight of how many children like you will add up to the Nandu's weight? कितने आपके जैसे, आपका जितना वेट है वैसे ही वेट के कितने बच्चे मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होंगे? कितने बच्चे आपके वेट के बराबर के, आपके जितने वेट वाले कितने बच्चे मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होंगे? तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको नंदू के वेट को डिवाइड करना होगा अपने वेट से. सपोज आपका वेट है 10 kg, आपका वेट अगर 10 kg है और नंदू का वेट कितना है? सपोज योर वेट इज 10 kg, आपका वेट कितना है? 10 kg है और नंदू का वेट कितना है? 200 kg है ना? ये आपका वेट हो गया,
ये नंदू का वेट हो गया। अगर आपका वेट 10 केजी है और नंदू का वेट 200 केजी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब आपको ये क्या पता करना है कि आप जैसे कितने बच्चे मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होंगे। तो आप कैसे पता करोगे, 200 को अपने वेट से डिवाइड करोगे आप, है ना। करते हैं डिवाइड, देखते हैं कितना होता है। 10 2 जा 20, है ना, 10 2 जा 20, 0 से 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ऊपर से 0 आ गया। अब ऊपर से 0 आ गया तो हम एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, 10 0 जा 10 0 जा 0, एंड नाउ इट हैज बीन कैंसल, सो आवर आंसर इज 20। तो अगर हमारा वेट बेटा 10 किलोग्राम है तो हमारे जैसे 20 बच्चे मिलेंगे तो वो नंदू के बराबर होंगे, तब उनका वेट नंदू के बराबर होगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर वेट, ये आप खुद कैलकुलेशन करोगे और आंसर आप यहां लिखोगे इस तरह से, है ना, इन दिस सेंटेंस। हाँ, तो आप अपने वेट से डिवाइड करोगे। मैंने वो 10 केजी वेट एज्यूम किया है, लेकिन पहले आप अपना वेट लिखो और उसी वेट से इस 200 केजी को डिवाइड करोगे, फिर लिखोगे, है ना। आपका वेट कितना है, 20? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। एड अप टू नंदू वेट, ओके स्टूडेंट्स, सो वेट ऑफ दिस मच चिल्ड्रन, आप अपने वेट को डिवाइड करोगे पहले अपने वेट से बेबी एलिफेंट के वेट को, 200 केजी को डिवाइड कर दोगे, लाइक मी विल एड अप टू नंदूज वेट। तो आप जैसे कितने बच्चों का वेट मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होगा वो आपको यहां मेंशन करना है। सपोज अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपका वेट है 10 केजी, आपका वेट है 10 केजी, तो आप अपने वेट से डिवाइड करोगे नंदू के वेट को, नंदू का वेट कितना है 200 केजी, तो आप कैसे लिखोगे, 10 2 जा 20, 0 से 0 कैंसल, ऊपर से 0 आया, फिर 10 0 जा 0, है ना। सो यू विल गेट द आंसर 20। अगर आपका वेट 10 होगा तो आप नंदू के वेट को डिवाइड करो तो आपका 20 आएगा आंसर, है ना। लेकिन आपको यहां अपने ही वेट से डिवाइड करना है, तब आपको पता चलेगा कि आप जैसे कितने बच्चे मिलकर के नंदू के बराबर वेट के होंगे। ओके, जब बुलाओ विजय सर को, विजय सर को बुलाओ, कॉल विजय सर वंस, विजय सर को बुलाओ बेटा, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, अनम्यूट कर दीजिए भाई लोगों को, अनम्यूट है, ओके सिमगन, कैन यू लिसन मी सिमगन, यस सर, ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, यस सर, बोलिए सर, मेरा सर मुझे डाउट था, बोलो बोलो क्या डाउट है सर, फ्लैप मतलब क्या होता है,
क्लैप ताली बजाना, क्लैप मीन्स ताली बजाना। हाँ कहाँ लिखा आपने क्लैप सर? हाँ बोलिए सर। ओवरहेड मतलब क्या होता है? सर के ऊपर। यस सर। ओवरहेड मीन्स सर, क्लैप नहीं फ्लैप। हाँ क्लैप नहीं फ्लैप सर, एफ एल ए पी। कहाँ पढ़ाया आपने सर? क्वेश्चन आंसर के ऊपर। Do you know that? Question. Slap है बेटा, slap नहीं है, it is slap. It is slap. Yes sir. हाँ, elephant slap is to keep themselves cool. Slap means हिलाना. Elephants क्या करते हैं? अच्छा. अपने yes को slap करते हैं ना, हिलाते हैं. Cool करने के लिए. Yes sir. Okay. Yes sir. जैसे birds अपने wings को flap करते हैं. Move up and down. बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं नीचे इन द, हां इन द से किसी भी तरह से हिलाते हैं। बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, एलिफेंट्स अपने ईयर को फ्लैप करते हैं। ओके सर, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना। फैलाना फैलाना सर, फैलाना। हां सर ट्री। यस बोलिए सर। परेशान करना सर। हाँ बोलिए। ठीक नहीं, ट्विक्स बोल रहे, मैंने फ्लैप बोला था ना, ये क्लैप। ट्विक्स मतलब टहनिया, टहनिया, टहनिया। जो एलिफेंट खाते हैं लीव्स एंड ट्विक्स, दे ईट ना एलिफेंट लीव्स एंड ट्विक्स। यस सर। 100 kg इन अ डे। यस सर। हाँ और बोलिए। यस सर। और बोलिए, एनी डाउट, एनी अदर डाउट? नो सर। कॉपी में नो सर। नो सर। सो आवर टाइम इज गोइंग टू ओवर। ओके सर, बाय सर। यस सर। कॉपी में करना है। हाँ, यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कर लोगे। यस सर। यस सर। ओके यस सर। सर ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क। नो सर। किसी के पास भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। नो सर। नो इफ यू हैव नो डाउट बी क्वाइट, बट इफ यू हैव डाउट आस्क मी। यस सर। सर आगे भी शो मी योर फेस। नहीं नहीं, यू डोंट हैव एनी डाउट? नो सर। नाम मतलब क्या होता है? नाम। हाँ सर। सर नाम मतलब क्या होता है? स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलिए आप। वॉइस इज नॉट क्लियर। के एन ओ डब्ल्यू। के एन सर। के एन O W। फिर से बोलिए एक बार, रिपीट इट वंस। जानना। K N, ओके K N O W। यस सर। हाँ K N O W मीन्स होता है जानना। जानना। हाँ K N O W। थैंक यू सर। डू यू नो, क्या आप जानते हो? डू यू नो, डू यू नो, आपके बॉक्स में लिखा हुआ ना, डू यू नो, क्या आप जानते हो? दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम। एक एडल्ट एलिफेंट 100 किलोग्राम से ज्यादा भोजन कर सकता है। आप कितना खा सकते हो बताइए? आप कितना खा सकते हो? हाँ How much? What is the weight of the food? You can take. मैं कर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इन अ होल डे। हाँ ओके। और आपका वेट कितना है सिमगन? 24। सिमगन आपका वेट कितना है? आगे भी आपका वेट कितना है बेटा? Do you know your weight? 26 kg. 26 kg. So how many children like you will weight equal to the baby elephant Nandu?
आपका वेट अगर 24 केजी है और नंदू का वेट 200 केजी है तो आपके जैसे कितने बच्चे मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होंगे? कैलकुलेटेड कैलकुलेट करके बताओ मुझे। देखो 200 को 24 से डिवाइड करो और बताओ आपके जैसे कितने बच्चे मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होंगे? सिमगन कैलकुलेट इट, कितनी बार जाएगा ये? Sir, six. It will divide 8 times. 8 for ya 34. Sir, 2. 8 for ya 34. 192 out of 208 will remain. And then there's a point and then a zero. है ना? तो more than 8 children. आपसे रेट के 8 से ज्यादा बच्चे, 8 से ज्यादा बच्चे है ना, नियर अबाउट 8 स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ नंदू। इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू द एड अप इक्वल टू द वेट ऑफ नंदू। आप जैसे कितने बच्चे मिलकर के नंदू के वेट के बराबर होंगे ये आपको कैलकुलेशन करनी है सभी को। पहले आप अपना वेट निकालोगे, वेट करके वजन करके और अपने वजन से डिवाइड करोगे नंदू के वेट को। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? ठीक है।